प्राइवेट हस्पतालों के जरिए पंजाब के लोगों को लुटन और वैक्सीन घपले के इल्जाम घिरी पंजाब सरकार ने हुण यू टर्न ले लिया। एक नोटिफिकेशन जारी किया जिस दे विच जिक्र किया कि प्राइवेट हस्पतालों को डोज देने दे बाबत जो नोटिफिकेशन जारी होया सी उसनु सही भावना के नाल नहीं लिया गया, इसलिए आदेश वापस ले जाते हैं। नाल ही प्राइवेट हस्पतालों को अपील की है कि सरकार तो उन्होंने जो डोजेज लिया सन वापस कीतिया जा, जो इस्तेमाल कीतिया जा चुकिया ने वह भी वापस कीतिया जा जो उन्होंने को उपलब्धता होवे। लगातार विरोधी तिरां कैप्टन सरकार से सवाल खड़े कर रही सन, करोड़ों के वैक्सीन स्कैम के इल्जाम कैप्टन सरकार से लगे, प्राइवेट हस्पतालों के नाल मंत्रियों की मिली भगत के सवाल भी चुके गए, जिस तो बाद हुण यू टर्न लिया गया। नाल ही मुख सकत्तर के एक ट्वीट का हवाला भी दिता गया सी, जिस दे विच प्राइवेट हस्पतालों च रजिस्टर करवा टीका लैन दे लई आख्या गया सी, उसनू भी आधार बना के विरोधी तिरां ने सीधा कैप्टन सरकार नू घेरिया सी, क्योंकि सरकारी हस्पताल ने जो सरकारी सेंटर ने पंजाब दे विच उत्थे ज़्यादातर बोर्ड ही लगे नज़र आते हैं कि वैक्सीन मुक गई है, पर अपील की गई थी कि प्राइवेट हस्पतालों के जाया जाए। इल्जाम लगे कि 400 रुपए प्रति डोज सरकार खरीदती है, अगे 1060 रुपए से वेचती है, तो अगह फिर प्राइवेट हस्पताल लोगों को 1500 रुपए प्रति डोज अगे वेचते हैं। इस दे नाल पंजाब दे लोगों की लुट हो रही है। आम आदमी पार्टी BJP और खास करके श्रोमणी अकाली दल वालों ये मुद्दा चुकया गया सी, कैप्टन सरकार को घेरिया गया सी, जिस से हुण स्पष्टीकरण आया नोटिफिकेशन जारी करके। ABP Sanja, जोश जज्बा जुनून।